देखिए, मेरा मानना यह है कि चुनाव से पहले जो लोकसभा का जो चुनाव है उससे पहले जो स्वर्णों को ये केवल एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिससे कि स्वर्णों का वोट जो है वोट बनाया जाए, ठीक है ना। उससे पहले मोदी जी ने क्यों नहीं सोचा, इतने सालों से जो है स्वर्णों को क्यों नहीं 10% आरक्षण दिया जो है, ठीक है ना। हमारे बच्चे हैं, उनका नौकरी तक नहीं लग पाती, मगर अब ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है जो है। सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार को आरक्षण देना था तो ये लोकसभा चुनाव जब नज़दीक आया तभी आरक्षण दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव आया और SC ST एक्ट लाकर जो इन्होंने सवर्णों को नाराज किया है उस पर ये काम कर रहे हैं। और अगर वाकई ये काम अगर दिल से करना चाह रहे तो सारे सवर्ण इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये चुनावी जुमला लग रहा है। मोदी सरकार आने वाले लोकसभा के चुनावों को देखते हुए लोगों को एक ठगने का काम कर रही है, सवर्णों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है ताकि उनको वोट मिल सके, लेकिन इससे सवर्णों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, चुनावी स्टैंड है और क्या है सब, चुनाव से पहले इससे पहले क्यों नहीं किया? ये सब चुनावी मुद्दा है, इसमें कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। ये आने वाले जो पीरियड अभी 2019 में जो मार्च में जो चुनाव होने वाले हैं, बस वही सारी वजह है, चुनाव के चक्कर में ही ये बोल रहे हैं। फैसला तो बढ़िया है, फैसला अच्छा है और होना भी चाहिए। सवर्ण लोग जो काफ़ी दिन से एक आहत चल रहे थे, 10% उनको अगर आरक्षण मिल रहा है तो आर्थिक स्थिति के आधार पर अच्छा ही है, इसमें बुरा ही क्या है। फैसला तो कुल मिला के थोड़ा सा सही है, लेकिन इतना सही भी नहीं है। ये काम 5 साल पहले करना चाहिए था, अब क्यों किया? देर आए दुरुस्त आए, चलिए मोदी जी ने यह कदम उठाया है, लेकिन इसका वो राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। आगामी 2019 के चुनाव में सवर्ण वर्ग को रिझाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगर आरक्षण सवर्ण लोगों के लिए, जनरल वालों के लिए मिल रहा था, बहुत बढ़िया, सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, मिलना भी चाहिए, जिससे कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर लाके आगे बढ़े। मैं तो चाहता हूँ आरक्षण हो ही नहीं, हर जगह रेवड़ी की तरह ये आरक्षण बांट रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आरक्षण कोई मेन हमारा जो भारतवर्ष के निर्माण में आरक्षण सबसे बड़ी बात है, इसको मैं बहुत बड़ा मतलब एक समझ लिया, जो देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से ये आरक्षण बहुत बड़ी बात है। आरक्षण तो होना नहीं चाहिए, किसी भी कास्ट का नहीं होना चाहिए। आप जो शिक्षा के आधार पर दीजिए ना, गरीबी के आधार पर आरक्षण दीजिए। सवर्णों में भी गरीब है, ठीक है, उन्हें दो, हाई कास्ट को जरूरत, आप पैसे वाले को जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फायदा सब पैसे वाले उठाते हैं, चाहे सवर्ण हो चाहे कोई दूसरे हो, गरीब को फायदा नहीं मिल पाता इसका। लेकिन मेरी निगाह में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, देश के विकास में आरक्षण सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक मुद्दा तो नहीं मानते हैं फिलहाल, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर कहा है तो जरूर करेंगे। ये 10% का जो मुद्दा दिया है ये चुनाव का है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा फैसला है गरीबों के लिए, और इससे एक नई राह भी मिलेगी गरीबों को, बहुत राहत मिलेगी। मोदी को कोटि कोटि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपकी सरकार मोदी की ही आनी चाहिए, जो शर्मणों के लिए पूरे सबके समाज के लिए सोच रहे। मैं केंद्र सरकार से बहुत खुश हूँ। अभी तक तो नहीं दे रही थी, अभी तक तो सोई थी, अभी उनको चुनाव का समय आ गया है तो उनको याद आ गया कि सवर्णों को भी जोड़ लें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सवर्ण जुड़ेंगे, क्योंकि ये जुमला चुनावी जुमला है।